किसान वीरो राम राम सत श्री अकाल नमस्कार सारे किसान भरावां दा ट्रैक्टर सैंड खेती टैक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज ते मोस्ट वेलकम है। तो मैं आशा करदा कि मेरे सारे किसान भी ठीक ठाक वधिया होणगे। तो जो अपनी अज्ज दी वीडियो लैके आए हैं ना, काफ़ी किसानों के कमेंट आते हैं कि भाई जी फार्म ट्रैक दी तुसीं घट बनांदे हो, वीडियो नहीं पाते, फार्म ट्रैक दी भी वीडियो पाए करो। मीनिंग जिहड़े फार्म ट्रैक दे दीवाने कह लो जां जिन्हां नूं चंगा लगदा उंदी मैं देखिया कई बार कंप्लेन रहिंदी है भी भाई फार्म ट्रैक दी नहीं पाते, तुसीं घट पाते हो जां तां जी ना फार्म ट्रैक वाले किसानों लिए ही वीडियो लैके आ गए हैं। बाकी दिखन सारे जिन्हों चंगा लगता वो भी, जिन्होंने नहीं वो भी ठीक है जी, दिखन च की जाता किसान वीरो। तो नवा मॉडल लैके आए हैं, नवा मीनिंग कि जोड़ा इस पहले मॉडल बंद आता ही उसकी जगह पर कंपनी ने यह मॉडल कढ़िया, ठीक है जी। क्योंकि जो CRDI आ गए ना तो बाद जोड़ा ये आता ही मॉडल, इनू फिर थोड़ी पावर घटानी पी कंपनी। तो पहले तो फ्रंट तो देखो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है किसान भीरा, देख लो पूरी मैं कभी नहीं देखा, पहली बार देखा मैंने क्या पूरा जिदा कंपनी में चढ़ के आता ना, यह देखो लिफाफा चढ़ाया उत्ते नवें, तो इधरों देखो करो चेक पूरा ब्रांड न्यू ट्रैक्टर खड़ा। तो दिखा दें मॉडल है जोड़ा 60 है पावर मैक्स, ठीक है जी। पावर मैक्स का मॉडल है T20 गेयरबॉक्स तो क्लासिक प्रो, यह देख लो यदा T20 वाला गेयरबॉक्स है, वो है अपने लीवर, यह दूजा हाई लो वाला है IPTO इंडिपेंडेंट वीडियो क्लच, वो मेन लीवर परे। तो 16x28 के बैक टायर है तो 7x16 के फ्रंट है, इधरों भी देख लो। तो यह जो मॉडल है ना F41 है, तो यह पता कि जगह पर आया मॉडल F31 की जगह पर आया, पहले F31 होंदा सी हुण F41 हो गया। यह RC ते आना तुहानू 50 HP, ठीक है जी। पहले जो F31 आता रहा है ना तो इतने 55 HP लिखेदा होंदा सी पूरा फुल 55 HP, हुण जदों दा F41 किया कंपनी ने इतने 55 HP उहदे नाल है, गौर करियो छोटी जी कैट लिखी दी है ना CAT कैट, ये कैट का मीनिंग है किसान वीरो कैटागिरी, 55 HP कैटागिरी, कैटागिरी की शोर्ट फॉर्म है कैट, यह कैट दूजी ना समझ लो जी बिल्ली भी कैट कहते हैं, वो नहीं कैटागिरी की शोर्ट फॉर्म लिखी है, क्योंकि हुण ये 55 HP कैटागिरी करके RC तो 50 HP कर लिया, नहीं तो पहले पूरा 55 HP आता ही जी कैट है ना, इदा नहीं इदा हों पूरा 55 HP, तो हूँ कैटागिरी करता तो F41 करता पहले 31 ही, ठीक है जी। ये तो थोड़ी जी पावर घटाती है जिदा टोरक वगैरह बढ़ाती है शायद, तो 3 सिलेंडर इंजन है ये तो बोश लैंड लाइन पंप जे आ देख लो वाटर सपरेटर के नाल पावर मैक्स सीरीज है इंडिया, मेरे ख्याल 4-5 सीरीज आती है, एक पावर मैक्स आती है, एक आती है वैल्यू मैक्स, एक सुपर मैक्स, एक मेरे ख्याल वर्ल्ड मैक्स करके नवी आई है, जी नवी शो च आए हैं ना 4x4 CRDI ट्रैक्टर आया नवी शो तुम देखी होनी है, वो भी वीडियो पावे, वो मेरे ख्याल ना वर्ल्ड मैक्स करके आ पावर मैक्स सुपर मैक्स वैल्यू मैक्स, ठीक है जी वर्ल्ड मैक्स इदा करके 5 सीरीज आदि दी। तो उत्तों सलंसर देख लो शो तो बाहर सलंसर है, अंदर आला मॉडल भी तुम्हें मिल जाएगा सेंटर गेयर च, ए साइड गेयर जो तुम शो के अंदर सलंसर लैना तो तुम सेंटर गेयर आला मिल जाना मॉडल, ठीक है जी। पंजा वो सुपर मैक्स मिलना, तो बाकी LED वगैरह इंडिकेटर है, तो बैक हिस्सा दिखा देना तुम 5 साल की वारंटी, कंपनी फिटेड होकर तो T20 गेयर प्लैंटरी ड्राइव जिदा ला लो तुम DD बाल है देख लो। इदा यह है कई ट्रैक्टर के मीनिंग चाबी ऑन करो तो फिर लाइट ऑन होंगी है, यदि बिना चाबी ऑन किए होंगी देख लो, यदा मीनिंग है भी डायरेक्ट है मीनिंग बिना चाबी तो भी लाइट ऑन हो जाती है, कई ट्रैक्टर की नहीं होंगी जिन्ना चेर चाबी नहीं ऑन करोगे। या बाकी बैक हिस्सा वगैरह 3 पॉइंट है ये टाप लिंक के 1, 2 तो 3, ठीक है जी अपने हिसाब न। तो ये भी ना दोनों ही पास करता, पहले सिंगल जैक आंद रहा देखो जो जैक होंगे ना लिंकों इधर भी तो इधर भी, राइट हैंड साइड तो लैफ्ट खब्बे सज्जे दोनों आ, पहले सिंगल आता रहा हूँ दोनों साइड आ गया इधर भी तो इधर भी, बाकी सपोर्टा भी काफ़ी मजबूत है देख लो टाप लिंक वाला सिस्टम दिते का मैंने चंगा है भी करता पिछों। तो बाकी जी PTO HP है वो है 33.6 PTO HP जी ट्रैक्टर की कन्वर्ट कर लोगे इनू HP च, 1 kW से तो मेरे ख्याल बन जानी है कोई 45 के लागे छागे। बाकी लिफ्ट वाला पंप है, एक पावर स्टेयरिंग तो ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है इस भी ना, 7x16 के फ्रंट है टायर तो 16x28 के बैक, हूँ उपरों दिखा देना तुम ए देख लो उपरों का मीटर वगैरह, ठीक है जी आ देख लो इंडिकेटर भी जागे जे किसान वीर वो भी बिना चाबी तो ही है डायरेक्ट है जे LED ही तुम दिखाए, ठीक है जी। पिछले भी देख लो
ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁਣ ਨਾ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੋਡਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਡਬਲ ਡੀ ਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਪੀ ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਨਲਾਈਨ ਪੰਪ ਆਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਐੱਫ 31 ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਐੱਫ 41 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਐੱਫ 31 ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਪੂਵਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 19-21 ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟਿਊਬ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ।